गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज बनाते हैं एक बढ़िया सा सॉटे पनीर का रेसिपी। यहाँ पे ग्रिल पैन मैंने गरम कर लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया है। कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो आप, रिफाइंड ऑयल ना यूज़ करके कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पीनट ऑयल यूज़ किया है, ये अच्छे से गर्म हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास सब्जियाँ हैं, अनियन, कैरेट, कैप्सिकम, बेल पेपर, बीन्स और थोड़ा सा पनीर। अभी मैं हम पनीर को कट कर लेंगे। हमारे पास 100 ग्राम जितना पनीर है, इसको मैं स्मॉल क्यूब्स में कट कर लूँगी अच्छे से। ये देखिए इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब हमारा पैन गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डाल लेंगे सब्जियाँ, अनियन, अनियन के साथ ही हम इसमें डाल देंगे चॉप बीन्स। देखिए बीन्स और अनियन को हम हल्का सा कैरेमलाइज करके सॉटे कर लेंगे इसमें। क्योंकि हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, हमें सिर्फ इसे कच्चा रखना है, बिकॉज हम काइंड ऑफ लाइक वॉर्म सैलेड बना रहे हैं। ये पनीर मैंने कट कर लिया था, इसमें से थोड़ी थोड़ी सब्जियां मैं यूज़ कर लूँगी, सारी नहीं अभी, क्योंकि ये एक पोर्शन बन रहा है। थोड़ा सा कैप्सिकम और थोड़ा बेल पेपर, ये देखिए अच्छे से हम सॉटे कर रहे हैं। अब मैं बताऊंगी कि इसमें मसाले हम क्या क्या डालेंगे। जाएगा पेपर थोड़ा सा, उसके बाद इसमें मैं डालूंगी अपना ये सीजनिंग, पिज्जा ऑरिगैनो सीजनिंग, जस्ट अंदाजे से एज पर द फ्लेवर। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ज्यादा नहीं। अब जाएगा मेरा पिरी पिरी सीजनिंग, ऑल दिस जस्ट फॉर फ्लेवर अच्छे से हो गया। सब्जियां मेरी ऑलमोस्ट सॉटे हो चुकी हैं, ज़्यादा मुझे इसको ओवर कुक नहीं करना है, हम इसे रॉ ही रखेंगे। अब टाइम आ गया है कि हम इसमें अपने पनीर के क्यूब डाल दें। ये देखिए ये हमने पनीर डाल दिया इसमें, अच्छे से बस एक मिनट या दो मिनट के लिए हम सॉटे करके बंद कर देंगे एंड इट्स रेडी टू ईट।